हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट। दिस इज सेफ स्नेहा फ्रॉम सूरत। आज मैं आपकी एक बहुत बड़ी मुश्किल सॉल्व करने के लिए जा रही हूँ। यस, मैं आज कोई रेसिपी नहीं दिखा रही हूँ, पर आपको ये बताने जा रही हूँ कि एक परफेक्ट बेकिंग प्रोडक्ट आप अपने ओटीजी में से कैसे निकाल सकते हो। यस, हाउ टू बेक योर परफेक्ट प्रोडक्ट इन ओटीजी। बिकॉज ऑफ बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि सबसे पहले सबको प्रॉब्लम होती है, कन्फ्यूजन होता है, क्वेरीज होती है कि हमको परफेक्ट बेकरी प्रोडक्ट बनाना है तो हमको क्या खरीदना चाहिए। तो मैं सबसे पहले उसके बारे में बताऊंगी कि बेकरी प्रोडक्ट के लिए आपको क्या चाहिए और कुकिंग के लिए आपको क्या चाहिए। सो ओटीजी करके जो ओवन आता है, ओटीजी ओवन यानी ओटीजी का मतलब है ओवन टोस्ट ग्रिलर, उसका फुल फॉर्म है ओवन टोस्ट ग्रिलर। अब ये जो ओटीजी यहाँ पे मेरे पास है, ये ओटीजी में अगर आप कोई भी बेकरी प्रोडक्ट बनाते हो तो यहाँ पे आपको बहुत परफेक्ट रिजल्ट मिलता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि ओटीजी का मीनिंग क्या है, सो ओवन का मीनिंग क्या है। सो बहुत लोगों को ऐसा फील होता है ओवन, माइक्रोवेव ओवन, कन्वेक्शन ओवन, किसी को कुछ नहीं पता होता ओवन के बारे में। तो गाइस, ओवन आप ओटीजी को भी ओवन बोलते हैं, कन्वेक्शन विथ माइक्रोवेव वाला आपके पास एक ये इक्विपमेंट्स है तो उसको भी हम ओवन ही बोलते हैं। तो ओवन का मतलब है कि हीट जो क्रिएट करता है उसको ओवन कहते हैं। सालों पहले ऐसा था कि लकड़ियाँ जो होती थी तो लकड़ियों को जलाते थे और उसमें से जो हीट प्रोवाइड होती थी वहाँ पे कुकिंग या बेकिंग होता था, तो उसको बोलते थे वुड फायर ओवन। इसको क्या बोलते थे? वुड फायर ओवन। इसके बाद आया ब्रिक, यानी कि जो हम जिसको ईंट बोलते हैं, जो कंस्ट्रक्शन में लगाई जाती है, वो ईंट यानी कि ब्रिक को गर्म करके उसी से खाना पकता था तो उसको कहते थे ब्रिक ओवन। और इसके बाद धीरे धीरे जो हमारा गांव वाला माहौल था वो निकलता गया और खुली जगह निकलती गई, अब बंद घरों में पकना शुरू हो गया, तब जाके आया ये इलेक्ट्रिक ओवन। तो यस, उसको भी ओवन कहते हैं, पर दिस इज अवर इलेक्ट्रिक ओवन जो हमारे घर घर में अभी यूज होता है। तो जब आपको बेकरी कमर्शियल बेस पे या प्रोफेशनल बेस पे करना है एंड 100% परफेक्ट रिजल्ट चाहिए तो गो फॉर ओटीजी ओवन। बट कन्वेक्शन ओवन है, इसमें यस बेकिंग तो होती है पर आपको 100% रिजल्ट कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं होता है और सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो मैं पहले आपको ओटीजी के बारे में सब बता रही हूँ, फिर हम कन्वेक्शन के बारे में दूसरा वीडियो बनाएंगे। अभी मैं आपको सिर्फ एंड सिर्फ ओटीजी के बारे में बता रही हूँ कि वहाँ पे एक परफेक्ट प्रोडक्ट बेक होती है, पर क्या क्या चीज़ें यानी कि कौन से मोल्ड टीन वगैरह आप इसमें यूज़ कर सकते हो, कहाँ पे रखना है, बेकिंग कहाँ पे होता है, ग्रिलिंग कहाँ पे होता है, रोटेसरी कहाँ पे होता है और कौन सा ओटीजी खरीदना है, वहाँ से लेके मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले आपका क्वेश्चन जो मेरे पास बहुत कॉल आते हैं कि मैम हमको बेकरी प्रोडक्ट अच्छी बनानी है तो कौन सा ओटीजी बाय करें। सो सबसे पहले मैं आपको बता दी हूँ कि परफेक्ट रिजल्ट के लिए ओटीजी ही बाय करना है, कन्वेक्शन ओवन बाय हो सके तो मत करो। ओटीजी बाय करते हो तो ओटीजी में सबसे पहले मैं आपको साइज के बारे में बताऊंगी कि 20 से लेके 27 तक की साइज के ओटीजी आते हैं। तो मैं ऐसा सजेस्ट करूंगी कि कभी भी छोटा ओटीजी मत लेना। हाँ, अगर आपके पास घर पे है, यूज कर लिया, इट्स ओके। छोटे ओटीजी होने के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि अगर छोटा ओटीजी है ना तो क्या होता है, बहुत थोड़े टाइम में बहुत ही गर्म हो जाता है, हीटिंग आ जाता है और आपकी रेसिपी ऊपर नीचे से एकदम जल्दी से बेक होना शुरू होके कभी कभी जल जाती है और बीच का जो पोर्शन है ना वो कच्चा रह जाता है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि 30 लीटर के नीचे का कभी भी ओटीजी बाय मत करिए। भले कितना भी छोटा फैमिली है, 30 के नीचे का ओटीजी बाय मत करिए अगर आपको परफेक्ट बेकरी प्रोडक्ट बनानी है। 30 से लेके 40 तक के लीटर का ओटीजी
अगर आपके घर में 4 to 5 मेंबर्स का फैमिली है और आप घर में ही सिंपली केक्स एंड कपकेक्स वगैरह ब्राउनी वगैरह बना के खाना चाहते हो तो दिस इज़ फाइन, तो 30 to 40 लीटर का OTG आप बाई कर सकते हो। पर 40 से लेके 60 तक के जो ये आते हैं OTG, वो आपको अगर होम बेकर बनना है, अगर आप कमर्शियली कुछ बेक करना चाहते हो तो दिस इज़ फाइन। जो मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास 60 लीटर का अभी तक मॉर्फी रिचार्ज का था, उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा था। फिलहाल मेरे पास ये 60 लीटर का बोरोसिल का है, आप देख सकते हो कितना नीट ये अच्छे से इसमें जगह मिली है। ये बहुत ही बड़ा सरफेस है अंदर से, यहाँ पे एक एल्यूमिनियम सेक्शन आता है, यहाँ पे एक ऐसी कूलिंग रैक जैसी जाली आती है और इसके साथ एक ये ब्लैक ट्रे आता है, ऐसा सिल्वर ट्रे है इसमें, तो ये ट्रे जो होती है वो भी आती है। सो ये सारी चीज़ें मुझे मिली है यहाँ पे हमारे 60 लीटर के बोरोसिल के OTG में। वैसा सेम 60 लीटर का आता है मॉर्फी रिचार्ज का, तो वो भी आप ले सकते हो। या फिर दूसरी कंपनी में आपको सजेस्ट करूँगी, जो बजाज कंपनी है वो भी सालों से OTG बनाती है तो उसका भी अच्छा आता है। एक है सनफ्लेम करके और एक है पैनासोनिक करके, ये 4 कंपनी मेरी जानकारी में है कि जिसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो आई रिपीट के पैनासोनिक, बजाज, सनफ्लेम, ये 3 पुरानी कंपनी है। इसके बाद मॉर्फी रिचार्ज एंड बोरोसिल जो नया है, दोनों पर दोनों का रिजल्ट मैंने फिल किया है, दोनों का रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो ये 5 में से कोई भी कंपनी का OTG आप खरीद सकते हो। पर जैसे मैंने बताया कि आपको कभी भी 30 लीटर के नीचे का नहीं लेना है, 30 to 40 फॉर अ होम बेकिंग के लिए एंड 40 से 60 आपको कमर्शियल बेकिंग के लिए। गॉट इट? सो अब ये OTG के ऊपर हम आते हैं कि ये OTG आपने खरीद लिया, अब भी उसमें कैसे बेकिंग करोगे, किस तरीके से करोगे। सबसे पहले हम आएंगे वो पॉइंट पे कि उसके केयर करने के पॉइंट पे, कैसे यूज़ करना है उसके पॉइंट पे। तो सबसे पहले ये ट्रे जो है, वो ट्रे में आप हमेशा से एक एल्यूमिनियम फॉइल ऐसे बिछा के रखें। कोई भी रेसिपी आप बनाते हो, नीचे एल्यूमिनियम फॉइल या तो ऐसे पार्चमेंट पेपर आता है, मेरे पास फ्रेसिस का है। सो ऐसा रखने से होगा क्या, आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसको बहुत ज़्यादा हीट नहीं मिलेगी और इसके वजह से नीचे से आपकी कभी भी प्रोडक्ट जलेगी नहीं। एंड सेकेंड थिंग कि आपका ये ट्रे नीट एंड क्लीन रहेगा। और एक फंडा है मेरा, हमेशा से मैं करती हूँ, यहाँ पे एक नीचे का ट्रे होता है, देखिए ये लास्ट ट्रे होता है, जहाँ पे क्या होता है कि आप पिज्ज़ा वगैरह बनाते हो या पनीर टिक्का बनाते हो तो उसका मसाला या पिज्ज़ा का चीज़ हमेशा बेकिंग होके गिरता है टप टप करके और वो नीचे की ट्रे पे आता है। अब यहाँ पे ये नीचे की ट्रे पे आता है ना, फिर हमारा बेकिंग तो चालू ही होता है, हीटिंग चालू होता है, तो ये चीज़ वगैरह जो ट्रे पे पड़ा है वो जलना शुरू होता है, वो डॉट जलना शुरू होता है। सेकेंड रेसिपी जब तक आप रखते हो तब तक वो जल के बहुत अच्छी बैड स्मेल फैला देता है। तो आप करोगे क्या, आप, मैं जो हमेशा से करती हूँ, एक टिप्स मैं आपको दे रही हूँ, बहुत बढ़िया टिप है ये। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ये लास्ट वाली जो हमारी वेस्टेज ट्रे होती है इसके ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल ऐसे बिछा के रखती हूँ एंड फिर ये ट्रे को नीचे जा रही हूँ। इससे होता क्या है कि अगर आपने 4-5 पिज्ज़ा या कुछ भी बेक किया, पनीर टिक्का बनाया, कबाब्स बनाए, उसका ऑयल या तो चीज़ नीचे गिरा तो फॉइल पे गिरेगा। आज की आपकी बेकिंग हो गई ना, वो फॉइल को निकाल के फेंक दो, नया फॉइल रख दो कल के लिए। तो कल आप और रेसिपी बनाओगे तब वो आपको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो जलेगा नहीं, चिपकेगा नहीं और फॉइल चेंज कर दिया, आपका काम इजी हो गया। सो वो मैं चीज़ हमेशा से करती आई हूँ। सेकेंडली, मैंने जो बताया कि ये पार्चमेंट पेपर एंड ये है एल्यूमिनियम पेपर, ये दोनों चीज़ हमेशा OTG में जाती है क्योंकि OTG जहाँ पे शुरू होता है वहाँ पे ये एल्यूमिनियम हीट प्रूफ होता है, ये पार्चमेंट पेपर जो वाइट कलर का रोल आता है वो भी हीट प्रूफ होता है। तो ये दोनों में से कुछ भी आप OTG में डाल सकते हो, ये पार्चमेंट पेपर है। या फिर आपके पास बटर पेपर है तो बटर पेपर भी आप कोई भी ट्रे के ऊपर रख सकते हो, वो भी हीट प्रूफ होता है। पर मेक श्योर कि जो क्लीन रैप आता है प्लास्टिक, वो प्लास्टिक कभी भी OTG में नहीं जाता है। एनी टाइप ऑफ प्लास्टिक OTG में नहीं जाता है, प्लास्टिक के माइक्रोवेव से बाउल्स है, डिब्बे हैं,
प्लास्टिक रैप्स है, कोई भी प्लास्टिक ओटीजी में नहीं जाता है। प्लास्टिक ओटीजी में जाने से तुरंत जल जाता है। प्लास्टिक के कोई भी इक्विपमेंट्स या कंटेनर आप माइक्रोवेव कन्वेक्शन फंक्शन में, जब माइक्रोवेव कुकिंग शुरू करते हो, माइक्रोवेव फंक्शन शुरू करते हो, तभी यूज़ होता है, यहाँ पे कभी भी नहीं जाएगा। अब ये जो ट्रे है मेरी, इसके ऊपर मैंने एल्यूमिनियम फॉइल रखा है, ट्रे भी मेरी एल्यूमिनियम की है। तो बात ये है कि ओटीजी में कौन से मटीरियल जाएंगे, तो ओटीजी में फर्स्ट मटीरियल आपका जाएगा मेटल, एनी टाइप ऑफ मेटल, फिर वो एल्यूमिनियम है, फिर वो स्टील है, कोई भी मेटल का आप कंटेनर, मोल्ड या इक्विपमेंट्स इसमें रख सकते हो। तो जो भी हमारा केक का हम जैसे बनाते हैं और इसके अंदर भरते हैं, तो ये जो हमारी जाली है इसके ऊपर आप इजीली, यहाँ पे मेरे बड़ा है तो मेरा चार एक एक कप का केक, 1-1 kg का मेरा चार टीन में एक साथ में ये जाली के ऊपर रख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल जाता है, सेकेंड इसमें क्या जाता है, ग्लास बाउल। अगर आप कोई बेकिंग डिश बनाना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, तो ऐसे बोरोसिल या तो ट्रेयो के जो हैवी ग्लासेस आते हैं जो ओवन प्रूफ होते हैं, वो वाले बाउल आप माइक्रोवेव कुकिंग करोगे तभी भी रख सकते हो, ओटीजी में कुछ बेक डिश या कुछ भी बनाना चाहते हो तभी भी रख सकते हो। तो सेकेंड मटेरियल इज ग्लास, ओवन प्रूफ ग्लास। हाँ, इसमें भी क्रॉकरी वाले पतले काश और डिजाइनिंग वाले ग्लास आते हैं, वो वाले बाउल आप ओटीजी में नहीं रख सकते। बोरोसिल, ट्रेओ, ऐसे अच्छे वाले ग्लासेस के बाउल्स या तो बेकिंग ट्रे आपको जो मिलती है लंबी वाली, वो रख सकते हो। थर्ड मटेरियल जो है हमारे पास वो है सिलिकॉन मटेरियल। ये सिलिकॉन के कपकेक्स के मोल्ड आते हैं। दूसरा मेरे पास सिलिकॉन का है, यहाँ पे केक का मोल्ड, ये भी है मेरे पास पेस्ट्री मोल्ड, एंड ये है मेरे कपकेक मोल्ड। ये सारे मोल्ड जो है ना, उसके मटेरियल का नाम है सिलिकॉन। सिलिकॉन जो मटेरियल होता है वो हीट प्रूफ होता है, वो माइक्रोवेव में भी डाल सकते हो, वो आप ओटीजी में भी डाल सकते हो, वो अगर रेती या नमक के साथ आप कुकर में कुछ बेक करते हो तो भी चलता है। यानी कि ग्लास एंड सिलिकॉन, ये दो मटेरियल ऐसा है कि हर कोई फंक्शन में आप कुछ भी बेक करना चाहते हो तो दोनों मटेरियल को रख सकते हो। कौन सा, सिलिकॉन एंड ग्लास, ओवन प्रूफ ग्लास। एल्यूमिनियम जो है वो माइक्रोवेव में नहीं जाएगा, वो ओटीजी एंड कुकर में जाएगा, पर मेटल जो है वो माइक्रोवेव में कभी भी नहीं रख सकते, क्योंकि माइक्रोवेव में वेव्स से कुकिंग होती है और वो जब वेव्स के साथ टकराते हैं तो स्पार्क खड़ा करता है। तो एल्यूमिनियम आप कभी भी माइक्रोवेव में नहीं रखोगे, पर एल्यूमिनियम फॉइल, पार्चमेंट पेपर, बटर पेपर, एल्यूमिनियम के सारे मोल्ड ओटीजी में जाएंगे और सारे सिलिकॉन मटेरियल ओटीजी में जाएगा। वैसे ही एक सिलिकॉन मैट है मेरे पास जो अभी बहुत ज़्यादा चलते हैं, मैक्रोन्स वगैरह, तो इसको सिलपैट मैट भी कहते हैं, तो ये वाला सीट भी ओटीजी में जाएगा। ठीक है, तो ये सारे सिलिकॉन मटेरियल ओटीजी में जाएंगे, मेटल जाएगा और ओवन प्रूफ ग्लास जाएगा। ये तीन जितने भी हमारे मटेरियल है वो सारे मटेरियल ओटीजी में जा सकते हैं। ओके ओके गाइस, तो आपको पता तो चल गया कि ओटीजी में आप कौन से मटेरियल के आपके मोल्ड या तो इक्विपमेंट्स रख सकते हो। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम सबको आता है कि ये ओटीजी में बहुत सारी चीज़ें आई है, कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ करनी है और कौन सी प्रोडक्ट, कौन सी रेसिपी, कौन से फंक्शन पे बनानी है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि ये जो ट्रे हमारे पास आती है, तो ये ट्रे में हम बना सकते हैं नीचे सारा अरेंज करके कुकीज़, इसके साथ हम यहाँ पे रख सकते हैं ब्रेड या ऐसा कुछ आपको बेक करना है तो, या फिर आपको कपकेक बेक करना है तो ऐसे मोल्ड आप यहाँ पे बिछा दीजिए। सो सारी चीज़ें ये ट्रे के ऊपर जाएगी, या फिर आप पिज्ज़ा बनाना चाहते हो तो इसमें रख सकते हो, सारी चीज़ें ये ट्रे के ऊपर तो बनेगी ही बनेगी। कोई रेसिपी ऐसी है कि वाटर बाथ पद्धति से बना रहे हो जिसमें नीचे पानी भरना है, फिर बीच में मोल्ड रखना है, फिर ढक के पकाना है, तो ये ट्रे में आप पानी भर के बीच में मोल्ड रख के वाटर बाथ पद्धति से जो कोई बेक करने हैं, लाइक हम फॉर एग्जांपल डुल्से डे लेचे बनाते हैं, हम चोकोलावा केक्स बनाते हैं, सब में हमारा वाटर बाथ मेथड होता है डबल बॉयलर जैसा, तो वो हम यहाँ पे ट्रे में पानी भर के कर सकते हैं। तो ये ट्रे जब भी आप कुकीज़ या पिज्ज़ा कुछ भी बनाओगे, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बताती हूँ कि इसको आप कहाँ पे रखोगे।
सो गाइज, इसमें मैं आपको बताती हूँ कि ये ट्रे में आप कुछ भी बेक कर रहे हो तो उसके लिए यहाँ पे आप देखिए हमारे ओटीजी में तीन लाइन्स हैं, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये है थर्ड। सो सेकेंड वाली जो लाइन है ना उसको हम बोलते हैं सेंट्रल पोजिशन, और ये हम ट्रे को रखेंगे यहाँ पे रखेंगे सेंट्रल पोजिशन पे। इससे क्या होगा कि जो हमारा ये ओटीजी है उसमें ऊपर की साइड पे दो रॉड है, नीचे की साइड पे दो रॉड है, और ये सारे रॉड जब एकदम गर्म होते हैं, जब हीटिंग शुरू होती है, फिर यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट बेक होती है। सेंट्रल में रखने से फ़ायदा ये होगा कि दोनों साइड से, बोथ साइड, ऊपर एंड नीचे के रॉड से ये जो हमारा बीच वाला प्रोडक्ट है वो प्रॉपर बेक होगा। कभी भी आप एकदम नीचे के रॉड पे या कभी एकदम ऊपर की लाइन में कोई भी ट्रे या ये हमारा साथ में रैक आता है वो रैक हम नहीं रखेंगे। रीज़न ये है कि ऊपर से रखोगे तो ऊपर का बहुत ज़्यादा बेक हो जाएगा और नीचे का कच्चा रह जाएगा। अगर आप नीचे ज़्यादा रखोगे तो नीचे का ज़्यादा बेक होके ऊपर का कच्चा रह जाएगा। सेंट्रल पोजिशन इज़ परफेक्ट कि दोनों साइड की हीट ज़्यादा मिलती है, तो इसमें आपको हमेशा रखना है कुकीज़ वगैरह, हमेशा ये ट्रे में ही रखना है जिससे आपका नीचे से कुकीज़ कभी भी जलेगा नहीं। पर अभी मानो कि पिज्ज़ा, तो आई सजेस्ट कि पिज्ज़ा के लिए ये रैक ज़्यादा पावरफुल है, उसको भी हम रखेंगे यहाँ पे सेंट्रल रैक पे, इसको भी हम यहाँ पे रखेंगे ट्रे को, ये जाली को सेंट्रल रैक पे, जिसके ऊपर हम पिज्ज़ा रख सकते हैं, जिसके ऊपर हम हमारा ये केक का टीन रख सकते हैं। पिज्ज़ा में एक चीज़ में मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आपसे कि पहले 10 मिनट आपका पिज्ज़ा सेंट्रल रैक पे हो गया, फिर लास्ट 5 मिनट उठा के आप ऊपर के रैक पे लेके जाइए, क्योंकि ऊपर का चीज़ जो है बहुत अच्छे से मेल्ट होके ग्रिल हो जाए। तो कोई कोई रेसिपी में ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग की 5-10 मिनट आपने सेंट्रल पे रखी, फिर लास्ट 5 मिनट आपको जहाँ से बेकिंग या ग्रिलिंग ज़्यादा चाहिए वो लाइन में आप डाल सकते हो, या नीचे या ऊपर। आपको लगे कि 10 मिनट में मेरी रेसिपी, मेरी प्रोडक्ट नीचे से सही नहीं हुई है, तो उसको उठा के लास्ट 5 मिनट में आप नीचे डाल सकते हो, ऊपर से करनी है तो लास्ट 5 मिनट ऊपर में डाल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे ये जो हमारा ग्रिल है, मैंने बताया पिज्ज़ा रख सकते हो या फिर हमारे टीन रह जाएगा, या फिर आपको कपकेक्स के भी मोल्ड रखने तो भी रख सकते हो, सारी चीज़ यहाँ पे ऐसे हो सकती है। अब थर्ड पार्ट इसमें आता है रोटेसरी का। तो रोटेसरी में क्या होगा और रोटेसरी क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। मेरे में एक ऐसा रोटेसरी आया है, देखिए गाइस, ये ऐसे आपको पतंग की फिरकी जैसा दिख रहा है, पर यहाँ पे जो सलिए हैं इसके वो मैंने ऐसे फिक्स किए हुए हैं। सो यहाँ से उसको निकाला जाता है ऐसे, देखिए, और फिर उसको यहाँ पे जो है टर्न वहाँ पे फिक्स भी किया जाता है ऐसे। तो इससे क्या होता है कि अगर आपको कोई पनीर टिक्का बनाना है, आपको कोई कबाब्स बनाना है, बारबेक्यूज़ बनाने हैं, तो इसके लिए ये चारों और ये सलिए हमारे लग जाते हैं, और ये जो मेरा रॉड है पूरा। ओके गाइस, तो मैंने आपको अभी बताया कि रोटेसरी के लिए मेरे पास ये जो स्टैंड आया है वो मैंने यहाँ पे फिट किया। एक साइड पे होल है आपने देखा और एक साइड पे स्टैंड है, वहाँ पे फिटिंग कर दिया। जब अब यहाँ पे हमको कबाब्स वगैरह बनाने हैं तो इसमें ये जो रॉड है वो ऐसे, ये वाला रॉड हमने सब में लगाया है, तो रोटेसरी के टाइम ये पूरा ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे। सो इसकी वजह से जो कबाब्स हम बनाएंगे, पनीर टिक्का बनाएंगे, उसका रिजल्ट बहुत परफेक्ट मिलेगा। एक नॉनवेज के लिए रोटेसरी का थिक वाला रॉड आता है गाइस, तो वो अलग से फिटिंग करके आप इसके अंदर नॉनवेज का भी करना है तो भी कर सकते हो, तब जाके आपको रोटेसरी फंक्शन पे जाना है। अब मैं आपको बताती हूँ सारे फंक्शन के बारे में कि आप कोई भी बेकरी प्रोडक्ट बनाओगे तो यहाँ पे सारे जो नोब है वो किस तरीके से हम यूज़ कर पाएंगे। सो अगर आपको आपकी रेसिपी में ऐसा लिखा गया है कि ये रेसिपी को बेक करो, बेक करो का मतलब बेकिंग, और बेकिंग यहाँ पे होगी हमारा ये जो बोथ रॉड चालू होगा उसके ऊपर, आपकी रेसिपी में है ग्रिल करो, तो ग्रिल में हमेशा सिर्फ ऊपर का रॉड आप चालू रखोगे तो भी वो ग्रिल हो जाएगा, और ग्रिल करो में कौन सी रेसिपी आएगी, या तो पनीर टिक्का, या तो बारबेक्यू, या तो केबाब्स। सो इसके लिए हमेशा ग्रिल करो वर्ड आएगा। अगर आप बना रहे हो केक, अगर आप बना रहे हो पिज्ज़ा, अगर आप बना रहे हो कपकेक या ब्राउनी या कुकीज़,
तो ये सारी चीजों के लिए आपके अंदर वर्ड आएगा बेक करो, जहां पे हमको दोनों रॉड की हीट चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ आपके नोब के बारे में बताती हूँ कि उसको कैसे यूज करोगे। अगर आपको बेकिंग फंक्शन पे जा रहे हैं तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट नोब जो है वो है फैन का। फैन अंदर क्या काम करता है कि जब आपकी रेसिपी बन जाती है, मीनवाइल इसको शायद ओवर हीटिंग मिल रही है, तो ये आप फैन चालू करके उसको ठंडा कर सकते हो, जिससे उसकी ओवर बेकिंग रुक जाए। तो वहाँ पे आपका फैन काम करता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि ऑलवेज 10-20 के पॉइंट पे आप फैन चालू करके ही आपकी बेकिंग प्रोडक्ट बनाओगे तो वो ओवर बेक नहीं हो जाएगी। तो यहाँ से आपको ऐसे करके उसको थोड़ा फैन को ऑन ही रखना है हर एक बेकिंग के समय। और ये बिल्कुल नया एक एडिशनली एक ऑपरेशन है जो अभी नए OTG में ही आता है, पुराने में पहले नहीं आता था। इसके बाद का जो मेरा यहाँ पे है वो है टेम्परेचर सिस्टम। सो हमेशा बेकिंग जो होती है वो टेम्परेचर से बोला जाता है। अगर आप माइक्रोवेव में कुछ भी करते हो तो वहाँ पे पावर लेवल बोला जाता है। माइक्रोवेव यानी गैस, और गैस स्लो या फास्ट, वैसे माइक्रोवेव में पावर लेवल स्लो, मीडियम एंड फास्ट। यहाँ पे टेम्परेचर स्लो, मीडियम एंड फास्ट बोला जाता है। तो जब भी आप कुछ बेक करते हो तो यहाँ पे मुझे टेम्परेचर सेट करना पड़ा है। और अभी टेम्परेचर जब सेट करना पड़ता है तो एज यूजुअल मोस्ट प्रॉबरली सारे बेकिंग प्रोडक्ट 180 डिग्री टेम्परेचर पे होता है। तो यहाँ पे मेरा ये है 180 डिग्री टेम्परेचर। सो यहाँ पे आपको केक बनानी है, यहाँ पे आपको बेकिंग डिश बनानी है, या फिर आपको कपकेक्स बनाने हैं, मोस्ट प्रॉबरली ये टेम्परेचर आपका होगा 180 डिग्री सेल्सियस। बट अगर आप कुकीज बना रहे हो तो कुकीज के लिए ये जाली के बदले जाएगा ये वाला ट्रे, और ट्रे के अंदर कुकीज रखने के बाद यहाँ पे मैदा डस करके कुकीज रख दो, एंड आपका टेम्परेचर रहेगा कुकीज में 160 डिग्री फॉर अ 15-20 मिनट्स। सो कुकीज एक ऐसी रेसिपी है जो डेलिकेट है, अमाउंट उसकी छोटी है, तो 160 डिग्री पे करो, बाकी सब ऑलमोस्ट 180 डिग्री पे होता है। सो सबका फेवरेट टेम्परेचर होता है 180 डिग्री। सो यहाँ से आप टेम्परेचर सेट करो, देन यहाँ पे आता है टाइमर। सो टाइमर ऑलवेज 180 डिग्री पे, आप बेकरी में केक या कुछ भी बेक करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली 20-25 मिनट्स होता है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं जैसे टाइम, वैसे अंदर की लाइट ऑन हो जाती है, और जैसे टाइम दोगे दोनों रॉड का हीटिंग शुरू हो जाता है। तो जब भी आप कोई बेकिंग करते हो तो ये OTG को प्रीहीट यानी पहले से गर्म करना जरूरी है, क्योंकि इसको हम सिगड़ी के साथ मैच करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया ना, ब्रिक अवन, वुड फायर अवन एंड सिगड़ी जिसमें कोयला जाता है, ये सारा आप एकदम अच्छे से गर्म करते हो, उसके बाद ही इसमें कुछ बेक होता है। तो इसमें भी ऐसा है कि एडवांस में 10 मिनट गर्म करोगे फिर उसका रिजल्ट मिलेगा। तो जैसे टेम्परेचर शुरू कर दिया, फिर टाइम दे दिया यहाँ पे हीटिंग शुरू, तो ये मैंने 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए स्टार्ट किया। दिस इज अ प्रीहीट सिस्टम, ऑटो स्टॉप हो जाएगा, फिर जो प्रोडक्ट रखनी है वापस रख के, वापस टेम्परेचर सेट करके वापस टाइम दोगे, देन आपकी प्रोडक्ट बेक होना शुरू होगी। एंड लास्ट जो है ना वो नॉब है, आपको कौन सा रॉड ऑन करना है उसका ऑप्शन, यानी कि अपर, बॉटम या तो बोथ। मोस्ट प्रॉबरली मैंने यहाँ पे जो रखा है वो बोथ फंक्शन है, यानी कि दोनों रॉड ऑन है। मोस्ट प्रॉबरली सारी रेसिपी बोथ पे होगी, यानी कि मुझे दोनों रॉड ऑन रखना है कोई भी रेसिपी बेक करनी है। तो सिर्फ एंड सिर्फ ग्रिल करने के लिए आप सिर्फ ऊपर का रॉड रखोगे या रोटेसरी में तो चलेगा, बेकिंग प्रोडक्ट सारी दोनों रॉड के साथ ही शुरू होगी। तो गाइस आई रिपीट, फर्स्ट फैन का बटन है मेरे में, शायद वो आप लोगों के पुराने OTG में नहीं भी हो सकता है। सेकेंड इज़ अ टेम्परेचर जो आपको 160 से 180 तक सेट करना है। थर्ड इज़ अ टाइमर जो मिनिमम 10 मिनट से लेके 30 मिनट तक होता है। एंड लास्ट इज़ अ बोथ फंक्शन, या तो सिंगल अपर या बॉटम। सो ये चार नोब से आपकी सारी बेकिंग बढ़िया सी रेडी होती है। तो ये नोब के बारे में मैंने बता दिया गाइस, अब आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन सी रेसिपी कहाँ पे बेक करनी है, कौन से बर्तन के साथ करनी है, किस तरीके से करनी है, ट्रे में रखना है या रैक पे रखना है, वो सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और कि अगर आप बेकिंग कर रहे हो, आपको चालू बेकिंग में ऐसा लगता है कि मेरा तो रेसिपी ऊपर से बहुत बेक होने आया, नीचे तो हो ही नहीं रहा, देन स्टॉप, खोलो
और ऊपर से निकाल के नीचे जाने दो। अगर आपको लगता है नीचे से जल रहा है, ऊपर तो कलर भी नहीं आया है, तो नीचे से उसको निकाल के ऊपर के लाइन में जाने दो। वो आपके हाथ में होता है गाइस। बीच में 10 मिनट के बाद आपको कुछ भी ट्रे को ऊपर नीचे चेंज करना है, डेफिनेटली आप कर सकते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऊपर बहुत ज़्यादा कलर आ जाता है, तो आपके बर्तन या टीन के ऊपर आप एल्यूमिनियम फॉइल ढक दो, तो ऊपर से कलर आना कम हो जाएगा और नीचे से प्रॉपर बेकिंग हो जाएगी। तो ये सारे टिक्स एंड ट्रिप ज़्यादा हम हमारे क्लासेस में जब भी बेकिंग करते हैं ना, तब आपको बताते हैं। तो मैंने आज आपको जो बताया है वो OTG के बारे में बताया है, कौन सी रेसिपी कहाँ पे किस तरीके से होती है। एंड लास्ट में जो कॉमनली आप जितने भी प्रोडक्ट बनाते हो वो कौन से टेम्परेचर पे कितने मिनट के लिए जाएगा वो मैं आपको बता देती हूँ, वो एक बार आप नोट डाउन कर सकते हो। फर्स्ट, ज़्यादातर आप बनाते होंगे केक्स, तो केक के लिए यहाँ पे जाएगा 60 लीटर के OTG में, या तो 40-60 लीटर के OTG में 180 डिग्री पे 25-30 मिनट्स के लिए दोनों रॉड के साथ। सेकेंड, आप बनाते होंगे कपकेक, तो कपकेक आपके जाएंगे 170 डिग्री पे 15-20 मिनट के लिए दोनों रॉड के साथ बोथ। थर्ड, आप अगर कुकीज़ बनाते होंगे तो वो जाएगा 160 डिग्री पे 15-20 मिनट के लिए दोनों रॉड के साथ। फोर्थ, अगर आपको पिज्ज़ा बेक करना है तो 180 डिग्री पे 15 मिनट के लिए बोथ रॉड के साथ आपका पिज्ज़ा बेक होगा। पर हाँ, यहाँ पे ऐसा हो सकता है 2-3 पिज्ज़ा बनाने के बाद चौथा पांचवा पिज्ज़ा आपका फटाफट 5-7 मिनट में निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पिज्ज़ा का बेस ऑलरेडी बेक्ड होता है, फिर गर्म हो गया है तो चीज़ फटाफट मेल्ट होके आपके बेक होके जल्दी से हो जाता है। तो ये पिज्ज़ा के लिए। इसके बाद आप बनाते होगे शायद ब्राउनी, तो ब्राउनी भी आपकी होगी 160 डिग्री टेम्परेचर पे 20-25 मिनट में परफेक्ट बेक हो जाएगी दोनों रॉड के साथ। इसके बाद आप कोई भी पनीर टिक्का, बारबेक्यू, कबाब्स वगैरह बनाते होंगे तो वो आपका होगा 180 से लेके 200 डिग्री तक। आपको ज़्यादा क्रिस्पी खाना है, 180 से 200 डिग्री तक सिर्फ ऊपर के रॉड के साथ आप इसको 15-20 मिनट ग्रिल कर सकते हो। ऊपर का रॉड यानी ग्रिल, दोनों रॉड यानी बेक, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी बेक डिश करनी है ना, तो बेक डिश का टेम्परेचर ऑलवेज आप हाई रख सकते हो, क्योंकि बेक डिश में क्या होता है, हमको पूरा लेयर ऊपर से एकदम क्रिस्पी एंड गोल्डन ब्राउन चाहिए। तो बेक डिश आप 200 से लेके 220 तक के टेम्परेचर में 15-20 मिनट के लिए आपका जो ग्लास का मोल्ड है उसमें रख सकते हो। और कभी कभी आपको ज़्यादा ब्राउन चाहिए तो बेक डिश बीच में से उठा के आप ऊपर के रॉड के ऊपर भी लेके जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जनरली आप बनाते होंगे, जिसके बारे में बता दिया। एक और क्वेश्चन हमेशा मेरे क्लास में आता रहता है कि मैम, हमारा छोटा ओवन है तो कितना टेम्परेचर, हमारा बड़ा ओवन है तो कितना टेम्परेचर। तो मैंने बता दिया है कि 30 लीटर से नीचे का आपको OTG लेना ही नहीं है। 30-40 लीटर का अगर आपका है, तो जहाँ जहाँ पे हम 180 डिग्री या 200 डिग्री लेते हैं ना, वहाँ पे 10 डिग्री कम टेम्परेचर आप रख सकते हो। एंड हमेशा एक और टिप दे देती हूँ, फर्स्ट टाइम आप आपकी OTG में कुछ भी बनाते हो ना, तो हमेशा उसका रिजल्ट लिखने की आदत डालो कि मैंने आज मेरे OTG में ये इतनी क्वांटिटी की रेसिपी इतने टेम्परेचर पे इतने मिनट करा और रिजल्ट क्या मिला। अगर जल गया है तो नेक्स्ट टाइम आपको टेम्परेचर एंड टाइम कम करना पड़ेगा, कच्चा रहा है तो टेम्परेचर एंड टाइम बढ़ाना पड़ेगा, ऊपर से जल गया है तो नीचे के रॉड के पास रखना पड़ेगा, नीचे से जल गया है तो ऊपर के रॉड के पास रखना पड़ेगा। तब कब पता चलेगा, जब आपने नोट डाउन किया है। तो नेक्स्ट टाइम आपकी वापस रेसिपी बिगड़ेगी नहीं, और उसको आप फॉलो करके सुधार सकते हो, वो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये हमेशा आदत डालो, क्या रिजल्ट मिला, कैसे मिला, वो लिखना चालू रखो। मैंने आपको बता दिया कि 30-40 डिग्री में आप 10 डिग्री कम रखना, 40-60 डिग्री में मैंने जितने टेम्परेचर बताए हैं वो परफेक्ट है, ओके। एंड अगर 30 लीटर से नीचे का आपका OTG है तो यूज़ मत करिए, और करते हो तो बहुत केयरफुली उसको हैंडल करना है, वरना उसमें आपकी प्रोडक्ट या कच्ची रहेगी या जल जाएगी। सो गाइस, आज के लिए इतना बहुत है। सो ये सारा मैंने आपको बता दिया है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रख के अपने OTG में परफेक्ट बेक करना है। नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रही हूँ कन्वेक्शन ओवन को आप कैसे हैंडल करोगे, उसमें कैसे बेक करोगे, कौन से इक्विपमेंट्स एंड मोल्ड एंड टीन इसमें यूज होगा, वो लेके मैं आऊँगी। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा सर्च कर सकते हो कन्वेक्शन के लिए। आज का वीडियो था हमारा ओनली एंड ओनली प्रोफेशनल OTG, कमर्शियल OTG एंड
होम मेकर्स के लिए जो OTG है वो कैसे यूज कर सकते हो, कैसे बाय कर सकते हो, कैसे पका सकते हो। ओके गाइज, तो है ना इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो। हमारा वीडियो देखो, परफेक्ट बेकिंग करो और लोगों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि इन लोगों का कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हम आते हैं, सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। सो गाइज, टिल देन, हैप्पी एंड परफेक्ट बेकिंग। Bye, have a nice day.